ये तो वो लोग थे जो जो जानते थे कि इस मुल्क में किस तरह काम होता है, हमारे यहाँ लोहे का काम करते थे वो। ठीक, आप मेरी बात समझे? उनको समझ ही नहीं आई कि उन्होंने ये सारा कुछ जाने दिया और आपके यहाँ पे लोग आउट ऑफ जॉब होने लगे, आपके यहाँ पे लोगों के घरों में जो जूते बनते थे, आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे औरतें भी शामिल होती थी, वो सारा कुछ आपने दे दिया और जाने दिया आपने कि ठीक है वो सस्ता बाहर से सस्ता बन के आ रहा है और आपकी मार्केट जो है फ्लड हो रही है। तो आप ट्रंप के बारे में तो आपको पता है, आपको यहाँ के बारे में क्यों पता नहीं है? मुझे बिल्कुल मालूम है, मैं मगर आपने ये मिसाल नहीं दी, आपने बाहर की मिसाल मुझे मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या वजह है। जो मेरा नैरेटिव है, सो पॉलिटिकल नैरेटिव, मैं तीन स्टेजेस में जल्दी इस आपके सवाल का जवाब दे रहता हूँ। पहला जवाब तो ये है कि आई थिंक दैट दे जस्ट वॉन्टेड टू मेक मनी फॉर देमसेल्व्स एंड इट इज़ अ कैपिटलिस्टिक फिनोमेना। दुनिया में हमेशा मोनोपोली और उसका फिर अगली स्टेज जो है मोनोपोलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड वेल्थ, उसके बाद इंपीरियलिज्म है। पूरी दुनिया में भी लोग उस तरह पर करते हैं, यूज़ करते हैं राइट्स, कहते हैं द हाइस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इज इंपीरियलिज्म। तो हर वो इंसान जो पैसा बना रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि और बनाए, मैं ही बनाऊँ। अगर वो पावर पोजिशन में आएगा तो वो और बनाएगा। अभी इमरान खान के साथ जितने लोग हैं ये भी पैसा बना रहे हैं, चल जाएगा पता आपको 4 साल बाद। ये तो मैं कह रहा हूँ, आम आदमी थोड़ी गए हैं वहाँ। तो इसलिए एक तो ये है मामला कि उन्होंने अपने लिए पैसा बनाना था, उन्होंने किसी के लिए नहीं बनाना था। अब उनका नैरेटिव क्या है, मैं उसको नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करता। उनका नैरेटिव जो उन्होंने बनाया वो ये कि हमें काम ही नहीं करने दिया गया, तीनों दफ़ा हमें हमारी हुकूमतें जो हैं वो चली गई और तीनों दफ़ा जो अदारे हैं उन्होंने ये आके किया, ये उनका नैरेटिव। ये दूसरी चीज़ है जो वो बोलते हैं कि जी हम कैसे मुल्क के लिए काम करते, फिर हमने भी पैसा बनाया या फिर तो हमने अपने तरीके से कोशिश की लेकिन हमारे हमें इकोनॉमिक पॉलिसी को पूरे 5 साल इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया गया। लेकिन मेरा नैरेटिव, ये तीसरी बात है, मेरा नैरेटिव इससे बिल्कुल फ़र्क है या मेरी पार्टी का। हम फिर ये कहते हैं, हम कहते हैं कि देखिए अकाउंटेबल आपने पहले अपनी पार्टी को होना होता है। आपकी पार्टी के अंदर अगर आप अकाउंटेबल होंगे तो उसके बाद आपको कोई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स नहीं चाहिए। आपकी पार्टी के अंदर से लोग खुद ग्रो करके लीडर्स बनेंगे, पीछे पूरी पार्टी खड़ी होगी, पूरी पार्टी का एक एजेंडा होगा और वो क्लास बेस्ड पार्टी होगी, मिडिल क्लास मेहनत कश नौजवानों की पार्टी होगी। वो अब खुद ही आपको पकड़ के रखेंगे कि भाई ये नहीं कर सकते आप, एक शूरा होगी या एक शूरा कह लें या उसको कह लें जिसे कहते हैं ना शेडो कैबिनेट होगी जो आपको पकड़ के रखेगी और वो सब लोग एक जैसे होंगे, एक ही क्लास के होंगे। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है पार्टीज करती हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? इमरान खान साहब लाइफ टाइम चेयरमैन है, अभी जैसे वजीउद्दीन साहब ने, मैं तीनों की बात करने लगा, मैं तीनों की बात करने लगा, सवाल कुछ और नहीं, मैं तीनों की बात करूंगा। अच्छा। आपने मुझसे सवाल, मैंने ये किया था कि हमारे जो, मैं तीनों की बात करूंगा। अच्छा। मैं तो देखिए मैं तो अपना नैरेटिव आपको बता रहा हूँ, अब अपना नैरेटिव बता के इनका भी तो बताना ना कि ये बताए ना, अगर आपकी पार्टी क्या ये सोचेगी कि जो आपका बेसिक जो आपका वर्कर है, जो छोटा एंटरप्रेन्योर है, जो अपने हाथ से काम करता है, उसको आप जीने देंगे या नहीं जीने देंगे? हम तो, हमारी तो पार्टी ही उसकी है, मैं वही तो कह रहा हूं। कैसे जीने देंगे? देखिए ये असल चीज है, देखिए किसी की आवाज बनना और चीज है, समझना और चीज है। क्या वो जो शख्स जो जूते बनाता है, जिसके घर में औरतें भी उसके साथ काम करती हैं, वो लोग जो हाथ से काम करते हैं, जो बॉल बेयरिंग्स बनाते हैं, जो छोटे छोटे आपके सारे सिस्टम को चलाते हैं, जिसमें गाड़ी का कारों का जो यू नो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो आपके हर चीज़ जो छोटे लेवल पे काम हो रहा है हमारे मुल्क में, देखिए सब लोग तो बहुत बड़े बड़े कारखाने नहीं चलाते, लेकिन जो आपको एक्चुअली जो आप जो पावर्टी से जो गुर्बत से बाहर आते हैं वो लोग हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो टैक्सी चलाता है, जो रोज़ मजदूरी करता है, आपने उनके लिए क्या सोचा है? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी तो पार्टी ही उनके लिए आ रही है ना, हमारी तो पार्टी उनके लिए। क्या आप उनके हुकूक को सल्ब होने से कैसे बचाएंगे बड़े लोगों से? इसलिए क्योंकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या जो बाहर से लोग आ रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिनके लिए बनाए जा रहे हैं, और प्लस यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदे दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हम इसके ऊपर इकोनॉमी बेस नहीं करेंगे। हम इकोनॉमी बेस करेंगे मिडिल क्लास, एंटरप्रेन्योर्स और वर्किंग क्लास के ऊपर। हम इनके लिए प्लान करेंगे इकोनॉमी कैसे प्लान होगी, और हम कट्स लगाएंगे प्रॉफिट मेकिंग पे। प्रॉफिटेबिलिटी का भी तो एक आखिर का तो स्टेट देखती है ना कि किस चीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुगर केन का और शुगर का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा है, शुगर मिल्स लगी हुई हैं लोगों की और वो खरबों रुपया बना रहे हैं।
जबकि पाकिस्तान को शुगर नहीं चाहिए इतनी, ये इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए पानी जाया हो रहा है। क्यों हम इम्पोर्ट करेंगे शुगर? इसलिए कि वो सस्ती, इसलिए वो सस्ती। अगर आप पूरा देखें ना, ये तो आपने वही बात की है जो आप अपने लोगों को मार दो। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ, क्यों आप अपने अपने अरे नहीं नहीं, अगर आप अपने लोगों को जो जो वहाँ काम करते हैं लोग, मेरी आप पूरी जो देखिए शुगर बात सुन ले, अगर आप अपने लोगों को मार देंगे, उनकी अपॉर्चुनिटी को खत्म कर देंगे कि बाहर से आपको सस्ता मिल रहा है, तो आपके अपने आप एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं जो मैंने आपको बोला था नहीं करना। उनको तो वो मार रहे हैं ना पहले से। आपने जैसे ही बाहर शुगर केन ग्रोअर जो है वो पहले मर रहा है। नहीं, I think कि आपकी पॉलिटिक्स सही नहीं है, I'm sorry. नहीं, वो कैश क्रॉप्स है ना, इनको कैश क्रॉप्स कहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप अपने मुल्क के लोगों से के जस्ट बिकॉज बाहर से नहीं चीज महंगी सस्ती आ रही है, नहीं, अपने मुल्क के ग्रोअर को क्यों मार दें? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। टमाटर अगर बाहर से सस्ते आ रहे हैं, अपना टमाटर ग्रो करना बंद कर दें। ग्रोअर नहीं है वो ग्रोअर नहीं है, जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है वो माफियाज हैं, और वो लोग पैसे जिनसे काम करवा रहे हैं। कभी नहीं सोचा मैं ऐसे बात बस सभी ने तस्करा, कभी ये नहीं सोचा कि लोग जो आपके मुल्क में बहुत कमाते हैं, स्टेट उन पे जिम्मेदारी डाले कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन जो आपकी फैक्ट्री है, आपका कारखाना है या आपकी बड़ी मिल है, उसके साथ आपने अपने बच्चों का स्कूल भी बनाना है, साथ में आपने हस्पताल भी बनाना है, साथ में आपने इतने लोगों को एजुकेट भी करना है। ये स्टेट नहीं लगा सकती साथ में कि अगर आपके आपने इतना पैसा कमाया तो आपने 1000 ग्रेजुएट्स भी बनाने हैं, आपने लोगों को वो देने वजीफे देने हैं कि वो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकें, या आपकी ही मुल्क की कोई यूनिवर्सिटी, ये क्यों नहीं आप सोचते? ये क्यों सोच रहे हैं कि वाई आपके लोग, ये हमारे लोग, ये क्यों नहीं सोचते? हमारे कौन से लोग, आप किन की बात कर रहे हैं? बने करोड़पति हो नहीं, कैसे कैसे? एक सेकंड, असल में ना आपने मेरी पूरी बात नहीं समझी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, शुगर इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुँचा रही है, शुगर केन ग्रोअर को नहीं पहुँचा रही, वो किसी भी ऐसे इंसान को नहीं पहुँचा रही जो शुगर की इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट से पहले जितना भी उसकी आप समझें वर्क फोर्स है, प्लस जो इंटरमीडिएट्स इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नहीं फायदा पहुँचा रही, उसको पहुँचा रही है जो आखिरकार शुगर बना रहा है अपने मिल में। और वो जो आदमी है वो, आप तो कह रही स्कूल बनाए कॉलेज बनाए, वो कहता है मैंने प्रॉफिट भी इससे कम नहीं करना, वो तो ये कहता है कि 40 रुपए की शुगर अगर मुझे कहा भी जाएगा, चीफ जस्टिस भी कहेगा, इफ्तिखार हुसैन चौधरी भी कहेगा, तो मैं तो नहीं करूँगा। और उसमें जहांगीर तरीन भी शामिल होते हैं, उसमें नवाज शरीफ भी शामिल होते हैं, और उसमें आसिफ जरदारी भी शामिल होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये हैं कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स की ज़रूरत नहीं पाकिस्तान को, बल्कि उन क्रॉप्स की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को एग्रो इंडस्ट्री के लिए चाहिए। पाकिस्तान को ऐसी क्रॉप्स की ज़रूरत है या ऐसे इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है जो कि खाम माल को जिस हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी ज़रूरत है, जो बिल्कुल प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। अब वो तो कौन लगाएगा? वो ये तो लगाएंगे नहीं कभी भी, ये तो वो लगाएंगे जहाँ से पैसा फौरन आएगा, जिसको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, और ये वो इंडस्ट्री लगाएंगे जिससे एकदम पैसा वापस आएगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये स्टेट के अलावा कोई कर नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर, ये भूल जाएं। इमरान खान को मैं 25 साल भी दूँ ना तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते कुछ। ये लोग तो वो हैं ही नहीं जो इस मुल्क को चेंज करेंगे। ये तो वही वाली बात है कि मैं कहूँ कि भेड़िए जो हैं वो बकरियां जो हैं उनके लिए सोचेंगे, वो तो बकरियां खाएंगे। वो इमरान खान स्टेट नहीं है? नहीं, इमरान खान वो उनकी स्टेट है, जिन लोगों के लिए वो आए हैं वो उन्हीं की स्टेट है। इमरान खान जिनके दोस्त हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जो उनके साथ पैसे कमा रहे हैं, जो अभी और पैसा कमाएंगे, उनके साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि इनकी पूरी की पूरी जो पैराडाइम है वो चेंज होने वाली है, वो ये कर नहीं सकते चेंज। ये लोग तो वो हैं ही नहीं जो इस मुल्क को चेंज करेंगे। ये तो वही वाली बात है कि मैं कहूँ कि भेड़िए जो हैं वो बकरियां जो हैं उनके लिए सोचेंगे, वो तो बकरियां खाएंगे। तो इसलिए देखें, क्लास के ऊपर पॉलिटिक्स जब तक नहीं होगी ये कुछ नहीं करने वाले, और ये कभी भी स्कूल नहीं बनाएंगे, ये कभी भी कॉलेज नहीं बनाएंगे। बनाने होते तो बना लेते ना, नवाशी बना लेते, जहांगीर तरीन बना लेते, ये सब लोग बना लेते, और ये तो उतना ही करते हैं जितना इन्होंने करना होता है। वो ये कहते हैं, इसको हम चैरिटी कहते हैं। लोग मुझे कहते हैं चैरिटी उतनी ही की जाती है जितनी लोगों की इस्तेआत होती है। मैं इसको सबसे बड़ा झूठ समझता हूँ। चैरिटी सिर्फ उतनी की जाती है जितनी आपकी मर्जी होती है। इस्तेआत तो ये भी हो सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सारी रात को सोने से पहले सब कुछ दे के सो जाते थे,
ये कर सकते हैं ऐसे। तो चैरिटी भी तो आखिरकार कन्वीनियंस के साथ की जाती है, वो जो है CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर भी तो आपने कॉर्पोरेट्स को कहा हुआ है ना कि आप कुछ करें, वो कितना करते हैं, इतना सा काम करके ख़त्म कर देते हैं। पाकिस्तान ना तो CSR पे चलना है, ना ये इंसेंटिव्स अमीरों को दे के चलेगा, ना ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से चलेगा। पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट पाकिस्तान बनेगा तो चलेगा, और उसके लिए आपको इसके आम लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, सोशो इकोनॉमिक जो आप मुझे कह रही थी वो करना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप देनी पड़ेगी मिडिल क्लास को, आपको वर्किंग क्लास की वेजेस ज़्यादा करनी पड़ेंगी ताकि उनको इंसेंटिव मिले वो काम करें। ये सारा कुछ वही पार्टी करेगी जो कि इनमें से नहीं है, जिसको अपने इंटरेस्ट पर नहीं कुछ करना बल्कि उनको लोगों का सोच के करना है।